गुड मॉर्निंग अमेरिका, बोंजू, सानी बोनानी, कन्निचिवा, आयोंग हासेयो योराबुन। भारत माता की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई 2014 पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति का पहला संकेत दिया था। जल्द ही जब उनके पहले विदेश दौरे की घोषणा हुई तो संकेत और साफ हो गया। मोदी विदेश नीति के मामले में नया मंत्र दे रहे थे, पड़ोसी पहले, नेबर्स फर्स्ट। 15 जून 2014 नरेंद्र मोदी भूटान के पारो एयरपोर्ट पहुंचे। पारो से राजधानी थिम्पू की यात्रा सड़क मार्ग से तय की। रास्ते भर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से मिलते जुलते। मैंने पहली बार देखा कि भारत के प्रधानमंत्री गाड़ी रोककर सब लोगों से मिल रहे हैं। ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इसी तरह जब वो काठमांडू गए, हजारों से लोग रोड पर ठहरे हुए थे और प्रधानमंत्री कई बार रोक कर बाहर निकले और उनकी सिक्योरिटी के लोग तो बहुत ही परेशान थे। मैं तब भी मौजूद था जब वो पहली बार श्रीलंका गए। तकरीबन 28 साल से कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका गए नहीं थे और वो भी जाफना। अगेन रिस्क टेकिंग, जहाँ पर मुश्किलें होती हैं वहाँ पर भी लीडर्स जाते हैं। डिस्प्ले ऑफ लीडरशिप का एक नया एग्जाम्पल दिखाया गया। पच्चीस दिसंबर 2015 को भारत ही नहीं दुनिया भी ये देखकर अवाक रह गई। रूस के बाद अफगानिस्तान होते हुए सीधे भारत लौटने की जगह मोदी लाहौर के हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। संबंधों को सुधारने के लिए खतरे उठाने की ये इंतहा थी। मोदी पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर नवाज शरीफ के घर पहुंचे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उरी के बाद पुलवामा की घटना को अंजाम दिया। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से आगे जाकर एयर स्ट्राइक का रास्ता अख्तियार किया। परिणाम गंभीर हो सकते थे, सामरिक तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी। पाकिस्तान हमेशा यही कहा करता था, जो अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमने न्यूक्लियर वेपन्स कोई म्यूजियम में रखने के लिए नहीं किया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। परंतु इनका ये जो होक्स था, इनका जो ब्लैकमेल था पाकिस्तान को, उन्होंने एकदम उसको ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तान का जो भी लीडरशिप है वो कोई भी ये नहीं कहता है जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मोदी ने सोच समझ कर ये फैसला लिया था। ये एक appropriate response है, ये international law के अंदर admissible है, तो इसलिए ना वो बात उठी security council और UN में, ना इसके बारे में किसी ने उठाया। They proved कि it was a successful diplomatic response। पाकिस्तान के साथ मोदी ने जैसी नरमी और सख्ती दिखाई, वैसा ही चीन के मामले में भी रहा। चीन के साथ संबंध सुधारने और सीमा विवाद हल करने के लिए मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। पर चीन कहां बदलने वाला था, डोकलाम से लेकर लद्दाख तक भारत के मिजाज को परखने की कोशिश की, सीमा पर तनाव पैदा कर घुसपैठ की कोशिश कर। लेकिन मोदी की अगुवाई में यह नया भारत था, हर मोर्चे पर चीन का डटकर मुकाबला किया। पोस्ट 2014 वी बीन फार मोर वोकल इन आवर एक्शंस, वी मे नॉट हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव इन द वर्ड्स वी हैव यूज्ड, बट इन द पोस्चर, इन पुशिंग बैक, in preventing Chinese construction activities in on the Bhutan border, in responding to them in equal measure in Galwan Valley, in building up and putting our troops in a highly aggressive stance against them on the Himalayas, are all signs of India now being more clear-eyed about the danger China poses. Ladakh se lekar Kargil aur Siachen tak भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। भारत माता की। पड़ोसी देशों की चुनौतियों से असरदार ढंग से निपटने वाले मोदी बड़ी महाशक्तियों के साथ भी उतने ही सहज नजर आए। रूस के साथ पुराने रिश्ते मजबूत बनाए रखे तो अमेरिका के साथ दोस्ती की नई कहानी लिखी। सितंबर 2014 में बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी शासन के सबसे बड़े प्रतीक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को दावत दी। कूटनीति के जानकारों के लिए आश्चर्य की बात थी कि कैसे रूस और अमेरिका, दो विपरीत ध्रुवों के साथ, भारत के रिश्ते उतने ही मजबूत थे। एक ही उनमें डबल टॉक नहीं है, जो एक जगह कहते हैं वो दूसरी जगह भी वही कहते हैं, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करने में उसमें खुद आसानी हो जाती है। वो जो बात करते हैं वो हर वक्त हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, और वो दूसरे लोग समझते हैं कि आप कहीं ज्ञान देने नहीं आ रहे, आप माने जो भी आप बात कर रहे हैं सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा एक बार वो अप्रोच हो जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पश्चिम एशिया के मामले में भी मोदी भारत के हितों की रक्षा करने में कामयाब रहे। एक तरफ इजराइल के साथ दोस्ती प्रगाढ़ करने की सफल कोशिश, तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना। मोदी के आलोचक अवाक रह गए जब एक के बाद एक अरब के तमाम बड़े मुस्लिम देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी को दिए गए। सामरिक व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हुए। जिस देश से कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर 30, 35, 40 साल से गया नहीं हो, उसमें अगर आप तुरंत 2 साल के अंदर वहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लेते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बात नहीं करते, उसमें ग्राउंड में इसकी रिजल्ट भी दिखाई देती है। तो एक किस्म से जो अवार्ड जो हैं, मुझे तो उन पर जो इम्प्रेशन आपने क्रिएट किया उसकी एक एक्सप्रेशन। भारत की सामरिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में लगे मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई प्रमुख मुद्दों पर अगुवाई लेते दिखे। मामला चाहे जलवायु परिवर्तन का हो, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का हो, या फिर कार्बन फुटप्रिंट कम करने का, मोदी ने बहुराष्ट्रीय मंचों पर अगुवाई ली। We'll be pleased to host this initiative at the premises of our National Institute of Solar Energy. ये नया भारत था जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई पहल का विरोध करने वाला नहीं, उसको आगे बढ़कर ले जाने वाला था। 2014 में ब्रिस्बेन गए थे हम, श्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक प्रस्ताव दिया था करप्शन पर, जो फिर G20 का प्रस्ताव बन गया। तो करप्शन एक इशू था, दूसरा इशू था आतंकवाद। अमेरिका के जो हैं क्लाइमेट जार कहा जाते हैं, जॉन केरी जो पहले सेनेटर रह चुके हैं और वो पहले उनके विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भारत को बहुत ही
प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भारत ने अभी ग्लोबल लीडरशिप ले रहा है और डेमोंस्ट्रेट कर रहा है कि हम अर्थनैतिक व्यवस्था भी आगे बढ़ सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट भी कमा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके वजह से मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो चित्र है इंटरनेशनली, इसमें टोटल परिवर्तन हो चुका। मोदी विदेश नीति के मामले में नए प्रयोग करने से हिचके नहीं। राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के साथ ही उद्योग जगत, खेल खिलाड़ी, युवा, सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। जनता को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश थी। तो वो जब ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में बातचीत हुई उनके साथ, तो कुछ कोई और लोग भी थे, तो उन्होंने कहा मुझे कि ये बताओ कि ठीक है ये बातचीत तो हो गई डिप्लोमेसी के बारे में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन आवाम क्या पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि साहब वो हमारे जैसे क्रिकेट के नशे में हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि एक मेलबर्न जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है कि वहाँ एक फंक्शन रखें जहाँ वो भारत की टीम के गावस्कर, कपिल देव जैसे लोग यहाँ से ले जाएं और वहाँ उस तरह की मिलाप हो पब्लिक के सामने। उससे मुझे ये समझ आया कि ये पब्लिक क्या सोचेगी, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, इस पर बहुत दिलचस्प लेते हैं। कूटनीति को सिर्फ दो देशों की औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं किया, वो भी महज दो चार बैठकों तक। मोदी के विदेश दौरे में बैठकों, मुलाकातों की तादाद बढ़ी। हमारी जो स्पीड या पेस जो थी ना, वो ठीक 5-6-7-8 मीटिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा। अब वहाँ से जब हम गए 10-12-15 मीटिंग एक दिन में, तो आप ही समझिए कि एक किस्म से आप T20 के स्पीड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। क्योंकि ये एक टाइम नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। और मैं तो कभी कभी मैं हैरान हूँ, कुछ ऐसे ट्रिप्स हैं कि हम 6 दिन में 5 देश करते हैं। रात को प्लेन में, माने 5 दिन के ट्रिप में 3 दिन प्लेन में सोते हैं। तो क्योंकि वो उनमें है, वो माने अपने आप को भी, जैसे वो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ना, यू डोंट स्पेयर योर सेल्फ इन नेशनल सर्विस। मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहे थे, वैश्विक लोकप्रियता बटोर रहे थे। लेकिन सबके मन में सवाल ये कि आखिर जो व्यक्ति पीएम बनने से पहले कभी केंद्र में मंत्री तक ना रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की इतनी गहरी समझ कैसे रखता है, इतना सफल कैसे है। उन्होंने एक बार मुझे कहा, मैं अमेरिका घूम चुका हूँ पर मैंने ग्रेहाउंड बस में किया, हम लोग प्लेन या रेलगाड़ी में करते थे। तो बहुत उनकी ट्रैवल्स आप देखिए, जगह जगह गए, कहीं वो कभी, अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो उसकी वो कहते हैं हाँ जब मैं उस साल जब मैं गया था। तो एक तो उनको बहुत जीवन का एक्सपीरियंस, और दूसरा जो आप कह रहे हैं क्योंकि वो पहले सरकार में नहीं थे तो एक किस्म से फ्रेश थिंकिंग है। तो वो एक्सपीरियंस और ये फ्रेश थिंकिंग को अगर आप साथ जोड़ें तो मुझे लगता है कि आज की जो विदेश नीति जो है आप समझ पाएंगे। मोदी के विदेश दौरे सिर्फ भारत को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर ऊंचा उठाने के लिए नहीं थे। मोदी ने विदेश प्रवास के दौरान अप्रवासी भारतीयों के आत्मविश्वास को बढ़ाया। मैंने कहा जिसको हिंदुस्तान वापस आना है जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तब मुझे पता नहीं था कि ये दायित्व तो मेरे जिम्मे आने वाला है, लेकिन अब यहां रहने वाला हर व्यक्ति कितने ही सालों से अमेरिका में बसा हो, अब उसको भी लगने लगा है एक पैर तो हिंदुस्तान में रखना ही चाहिए। भारत में एक साधारण सा वर्कर क्लास है, कंस्ट्रक्शन में है और कई जगह काम करने वाले लोग हैं। अमेरिका में या कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आईटी में जाने वाले लोग हैं, उसके पहले कई सारे डॉक्टर्स भी है, कई सारे देशों में अपने नर्सेज भी जाती है। तो ये सब लोग जो है
वो आज मोदी जी के वजह से उनको उस देश में रिकग्निशन मिला है, वहां के देश के लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा फोर्स है कि जिनका या ऐसी एक ताकत है कि जिनकी हमने पहचान करनी चाहिए। कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो, इससे बड़ा गर्व क्या है। विदेश में बसे भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने में लगे मोदी की कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा भारतीय संस्कृति और इसके बड़े प्रतीक चिन्ह। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का इस्तेमाल हो या भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत से दुनिया का परिचय कराना हो, पीएम के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की पहली ही बैठक में शामिल होते हुए मोदी ने इसकी शुरुआत की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में मनाने का प्रस्ताव रखा। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। रिकॉर्ड समय में मोदी का यह प्रस्ताव मान लिया गया। पूरी दुनिया में योग को औपचारिक मान्यता मिल गई। दुनिया जो है भारत को जानना चाहती है, दुनिया समझती है कि हमारी एक पर्सनालिटी है, हमारी एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, सिविलाइजेशन है। तो भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है उसको वर्ल्ड स्टेज में अगर ये एक्सप्रेस ना करें तो फिर बात नहीं बनती। हम तो मैं कहूँगा जो भाषा से ज़्यादा वो टोटल पैकेज जो है, जिस तरीके से वो कैरी अपने आप को कैरी करते हैं, जैसे वो दुनिया की ग्लोबल एजेंडा पे उनका प्रभाव होता है, जैसे आपने देखा पेरिस में क्या हुआ। आपत्ति को अवसर में बदलना प्रधानमंत्री मोदी को भली भांति आता है। मोदी को ये मौका कोविड के विश्वव्यापी प्रकोप ने दिया। भारत को इस संकट से निकालने में लगे मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच को व्यावहारिक तौर पर पूरी ताकत से सामने रखा। चाहे दुनिया के ज्यादातर देशों को दवा की सप्लाई करनी हो या वेंटिलेटर्स की या फिर टीके की, मोदी ने भारत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वैक्सीन मैत्री मिशन के तहत दुनिया के तमाम देशों को कोविड से बचाव करने वाले टीकों की सप्लाई की। वी नो दैट इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर द एंटायर ह्यूमैनिटी कैन बी वैक्सीनेटेड एंड सो we will continue to share our experiences, our expertise and also our resources with the entire humanity in the fight against the pandemic. प्रतिदिन हम जितने टीका लगाते हैं, बहुत सारे देश हैं जो उनका टोटल टीकाकरण उतना ना हो। इसकी वजह से एक भारत की भी चित्र बदलने लगी है। और जो हमने मदद किया अन्य देशों को, ये सुन के बहुत लोग आश्चर्य होते हैं कि हम 80 से 90 देशों को हमने मदद किया, या तो उनको दवाई भेजा या पीपीई किट भेजा या रिलीफ मटेरियल भेजा या टीका वैक्सीन हमने भेजे। दुनिया जब चीन से फैले कोविड के भयावह दौर से गुजर रही थी, चीन अपने विस्तारवादी एजेंडा को आगे बढ़ाने में लगा था। आसपास के छोटे पड़ोसी देशों के इलाकों में घुसपैठ से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ आक्रामक रुख अख्तियार करने में, कोविड की चुनौतियों के बीच मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद की राह पर आगे बढ़े, जिसे दुनिया अब क्वाड के तौर पर जानती है। और चीन इससे सबसे अधिक बौखलाया हुआ। लेकिन ये सिर्फ चीन के सामने साझा मोर्चा नहीं, बल्कि उससे भी आगे विकास की राह पर साझा ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए
ये एक इनिशिएटिव है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए इसकी शुरुआत तो हुई थी मैरिटाइम सिक्योरिटी के इशू से चीन की आक्रामकता को देखते हुए, परंतु अब अगर हम देखें तो इसमें चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे COVID-19 है, इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है, 5G है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे क्वाड का विकास होगा, वैसे वैसे इन चार मुल्कों में जो कि क्वाड के मेंबर हैं वो आपस में सहयोग कर पाएंगे, और इंडो पैसिफिक में जो बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जैसे कि चीन का एक राइज हुआ है या चीन का एक उत्थान हुआ है, उसकी वजह से जो आजकल कुछ जटिलता आए हैं, उससे जो नए नए मुद्दे उभरे हैं, उसको कैसे एक तरह से डील किया जाए, इसके बारे में क्वाड जो है वो सहयोग करेगा। देश के अंदर लगातार मजबूती हासिल करने वाले मोदी दुनिया के मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। न मैं रुकने वाला हूं, न मैं थकने वाला हूं, और न ही झूठ के सामने कभी झुकने वाला। भारत की साख बढ़ी है, मोदी का जलवा कायम हुआ है, मोदी को पसंद करने वालों की संख्या है अनंत, देश में भी दुनिया में भी। मैं पहली बार 1977 में मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी, तो मुझे करीब 40 साल 45 साल हो गए इसमें। मैं कहूँगा बहुत फ़र्क आया है, फ़र्क आया है, क्रेडिबिलिटी की फ़र्क है, स्टैंडिंग की फ़र्क है, कल्चर की फ़र्क है। आजकल हमारे बारे में कह जाता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। विश्व गुरु बनने के लिए जो भारत का एक भूमिका था सदियों से पहले, और ये कॉलोनियल टाइम्स में इसको हम भूल गए थे, इसको कैसे हम रीडिस्कवर करें, इसको मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर चुके हैं। अनिकेत, अविरल, अजीत, अडिग या फिर 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले राष्ट्र का प्रतिनिधि जिसकी देश दुनिया में सिद्धियां हैं अनंत, मोदी को विश्व समुदाय अलग अलग रूप में पहचानता है, लेकिन खुद मोदी 125 करोड़ देशवासी, ये इतिहास की अमर कथा है। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, ऐसी ही मोदी की पहचान हो, वो 125 करोड़ में खो गया हो, 125 करोड़ में लिप्त हो गया हो, इतिहास के किसी पन्ने पर नजर ना आता हो, अगर ऐसी जिंदगी जी करके जाऊं, अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, तो उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा, यही खुशी होगी।